आज ये बहुत सौभाग्य का दिन है और मैं सनोज जी को और आप सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ इस मौके पर। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस ऑफिस से और यहाँ से बहुत बेहतरीन काम होंगे, मैं इस बात की पूरी उम्मीद रखता हूँ। हाँ, ये जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है गजबी फिल्म में, मैंने दो रोल किए इसमें, एक खान साहब, वैसे रोल एक ही था, वो पुलिस को डॉज करने के लिए उसको दो नाम दिए गए थे, खान साहब और समर सिंह। हिंदू नाम था समर सिंह और मुस्लिम नाम था खान साहब। तो मैंने उसमें ये रोल किए थे, काफ़ी लंबा रोल था और मेरा रोल काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। और मेरे तीन बेटे, एक पीछे खड़े हुए हैं अभी यहाँ पे, और दो बेटे और थे, और मेरे साथ ये प्रोडक्शन में थे मिस्टर मिश्रा, ये यहाँ बैठे हुए हैं, और दादा हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर भी साथ में बैठे हुए हैं। ये सब लोग हैं, मैं इन सब का आभारी हूँ कि इनके सहयोग की वजह से आज हम लोग इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं। शिकायत तो बहुत है उनसे, ये शिकायत है कि वो बहुत बेहतरीन इंसान हैं, और एक शिकायत ये भी है कि एक दफ़ा उन्होंने डंडा मुझे मारा था क्योंकि मैं ठीक से रोल नहीं कर पा रहा था इसी गजनबी फिल्म में, और मैंने उनसे कान में कहा था कि ये डंडा आप रोज़ मारा करिए ताकि मेरा रोल निखर के आए। और जहाँ तक अच्छाई की बात है, वो एक बेहतरीन इंसान हैं और एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और अपने फ़न के माहिर हैं और अपनी टीम को लेके चलने में उनको बड़ी महारत हासिल है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो इसी तरह अपने कारमा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इस मौके पर आज के दिन उनको विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सपने तो मैं क्या बोलूँ कि मैं शब्द नहीं मेरे पास, और ऑफिस जैसे मान लो तो कार्यालय होता है जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए हमें कहीं बैठना होता है मीटिंग्स के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टॉपेज है ये हमारा, जहाँ पर हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी तक क्या था कि मैं जो प्रोड्यूसर्स होते थे, मैं उनके यहाँ जाकर उनका काम करने के बाद फिर वो मेरा ऑफिस बदल जाता था, दूसरे का काम लेता था, दूसरे के यहाँ चला जाता था, वहाँ बैठने लगता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आप सबके सहयोग से, सबका आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, और मेरे ख्याल से सबका ही आशीर्वाद है, पूरी देश दुनिया के लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑफिस उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो स्टार हैं, जो नहीं स्टार हैं, उनके लिए भी ये सारी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, और हमें बहुत आगे काम करने के लिए यहाँ से नए नए लोग मिलेंगे, नई नई प्रतिभाएं मिलेंगी, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। और हमारे इस प्रोडक्शन हाउस का ये ऑफिस हो गया है, चूँकि अब मैं यहाँ से अपनी फिल्म भी प्रोड्यूस करूँगा, सनोज मिश्रा फिल्म, जैसे मेरा नाम है मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा हुआ है। तो इस कंपनी के नाम से और भी फिल्में बन भी चुकी हैं, इसलिए नाम यही है मेरा। तीन चार फिल्मों का निर्माण हमारी कंपनी के सहयोग से हुआ है, जैसे कि गजनबी हमारी पूरी होम प्रोडक्शन की फिल्म है, अभी आने वाली ये फिल्म है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके पहले लफंगे नवाब में, ये तीन फिल्में थी ऐसी जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से पूरी हुई थी, और अब आगे भी और इससे बड़े बड़े काम होंगे। उम्मीद है कि ये ऑफिस, यहाँ के आने वाले लोग, हमारे सब सहयोगी, जितना जिन्होंने सहयोग किया है मुझे, जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये कारवा आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। स्पॉट बॉय से लेके अभी तक का सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा? स्पॉट बॉय तो कभी था नहीं, मैं मेकअप मैन का असिस्टेंट था, संजय जी बिना वजह मुझे बदनाम कर रहे हो आप। खैर, स्पॉट बॉय भी मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, और मेरे यहाँ जितना स्पॉट बॉय की रिस्पेक्ट होती है किसी की हानि होती है, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कभी पानी भी नहीं मांगता किसी से, स्पॉट बॉय से मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं पानी मांगूँ। तो अभी मेरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ है जो, और मैं वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके साथ आप जुड़े थे? मैं अर्जुन पंडित फिल्म थी और मैं उसमें मेकअप मैन का असिस्टेंट हुआ करता था, तो जस्ट लाइक स्पॉट बॉय होता है, स्पॉट बॉय तो टेक्नीशियन है। नहीं, मैं तो झोला लेके खड़ा रहता था, अभी मुझे मेकअप करना आया नहीं था, तो वो सिर्फ वही बैग गले में टांग के खड़ा रहता था, बड़े बड़े एक्टर जो थे उस फिल्म में उनके पास में खड़ा रहता था खाली। और वेस्ट बंगाल में काफी चर्चाएं हैं अब के ऊपर। जी जी मेरी ममता सरकार ने, हाँ जी हाँ जी,
अभी अगर दो चार शब्दों में होता तो बयान भी कर देता इस फिल्म से लेकर के जो भी हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ हम लोगों ने झेला है, शब्दों में बयान कर पाना भी मुश्किल है। एक कह सकते हैं कि मानवता की हदों को पार कर दिया सरकार ने, जिस तरह से हमारे दमन करना चाहा, जिस तरह से हमारी फिल्म को बंद कराना चाहा, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते किसी तरह से हम लोग 2-2.5 साल से भी इस फिल्म को कंप्लीट कर रिलीज़ के लिए तैयार है, पूरी तरह से फिल्म हमारी रिलीज़ के लिए तैयार है। और मेरे ख्याल से ये बहुत पहले रिलीज़ हो गई होती, लेकिन सेंसर बोर्ड ने भी इसमें तमाम सारे अड़ंगे लगाए, फिर बहुत सारे केसेस भी थे, और दीदी की सरकार ने भी मुझे बहुत परेशान किया, जेल में भेजना चाहा, और लंबी कानूनी लड़ाई चली, और फाइनली अभी फिल्म पूरे देश में जो बंगाल की सच्चाई है वो देखने के लिए तैयार है, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म में जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी कि ये एंगल भी हो सकता है, क्योंकि हम टीवी में, न्यूज़ में इधर उधर से चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये फिल्म हमारी ग्राउंड लेवल पर बनी है, इसमें पूरा रिसर्च करने के बाद फिल्म को बनाया है, और बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें देश के सामने बहुत जल्द आने वाली हैं। बहुत अच्छा सहयोग रहा, बड़े भाई हैं हमारे वो, और मेरे ख्याल से इस मिशन में वो पूरी तरह से मेरे साथ रहे, फिल्म निर्माण से लेकर अभी तक यहाँ तक जो उनका सहयोग रहा है तो वो कहा नहीं जा सकता, वो अपने आप में एक अलग ही शख्सियत है। आए दिन सोशल मीडिया पर हमेशा आप कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, कैसे ये सब चीजें एक्टिविटी आप कुछ मंगाते रहती है? अभी एक आदमी जिंदा था, सुबह आपके साथ मर गया मालूम चला। हाँ, वो एक्चुअल में क्या मेरे साथ, मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का आदमी हूँ, मैं कहीं ना कहीं निकलता रहता हूँ, बाहर देश दुनिया देखूंगा तभी तो काम कर पाऊंगा मैं। और वो जो जिस इंसान के बारे में आपने मुझे बताया, काशी की घटना थी वो, और कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया था, बिकॉज ऑफ वो रियल स्टोरी थी मेरी लाइफ की, और वो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं। मैं इसलिए लिखता रहता हूं ताकि लोग भी उससे कुछ सीखें, कुछ समझें, या मेरे फीलिंग्स को जानें। मैं चाहता हूं कि मैं अपना बोझ उतार कर लोगों के सामने रख दूं, तो उसका ही सिर्फ एक वो मेरे लिए माध्यम है सोशल मीडिया। और उस घटना के बाद से तो ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। जिस दिन उस शख्स से मैं मिला, रात भर उससे बात किया और सुबह उसका देहांत हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारा डिप्रेशन में जी रहा था उन दिनों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बंगाल सरकार की तरफ से और इस फिल्म को लेकर के बहुत दिक्कतें थी। तो होता है कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सारा सीख दे के जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं। वही बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं, अभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी के साथ प्लान चल रहा है जैसे कि एक बड़ा धमाका हो आपके प्रोडक्शन हाउस से? जी जी, देखिए संजय जी, फिल्म के लिए दो ही फार्मूले होते हैं, एक तो या तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो या तो बड़े एक्टर हो। बड़े एक्टर होते हैं तो भी पिक्चर किसी तरह से लंगड़ा लुंगड़ों के खिसड़ के निकल जाती है, और जब आपके पास बड़ा सब्जेक्ट होता है तो भी आप लोगों के बीच में आते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी तक मैंने ये कोशिश की कि मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म करूं, लेकिन अब मैं जैसे आप लोगों की सबकी डिमांड है कि नहीं बड़े एक्टर के साथ हमें काम करना है, तो मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक हम आपको ये खुशखबरी देंगे। थैंक यू सो मच राज जी, धन्यवाद देता हूँ सर को मेरे, इनके साथ मैंने 3 लगातार पिक्चर किए, और ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल करने के टाइम में बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ, लेकिन इन्होंने 24-24, 30-30 घंटा शूटिंग करके ये काम निपटा दिया। और वसीम सर जो इनको फुल सपोर्ट करते थे, ऊपर से प्रेशर आया कि शूटिंग बंद कर दिया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे, गाड़ी रोक दिया जाता, लेकिन नहीं, वसीम सर जटे रहे, फ़ोन पे फ़ोन, वहाँ पे कंप्लेन, वहाँ पे कंप्लेन, के नाम पे बहुत कंप्लेन हुआ, लेकिन उन्होंने शूटिंग नहीं रोका। 30 घंटा 28 घंटा 24 घंटा कंटिन्यू शूट किए, इनको तकलीफ ही आई, बहुत प्रेशर आया कि आपका शूटिंग नहीं किया जाएगा, ये गाँव में शूटिंग बंद कर दिया जाएगा। तो सनु सर बोले नहीं, कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इन्होंने फुल मेहनत करके डे नाइट शूटिंग करके प्रोजेक्ट कैसे भी करके कंप्लीट की, फिर ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पे पहुँची है। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे राज मिश्रा जी का है, क्योंकि प्रोडक्शन की कमान इन्हीं के हाथ में थी, और मेहनत तो मैंने देखा है कि किस लेवल पर इन्होंने काम किया है। वाकई में मतलब इनके बगैर ये फिल्म नहीं बन सकती, यही मैं कहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर का बड़प्पन है, नहीं ये सच में सर का बड़प्पन है, इन्होंने मुझे एपी बनाया, क्यों झूठ बोलो। सर मेरा नाम कमलेश तोशी हूँ, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, कौन सच्चा कौन झूठा, ऋषि कपूर श्रीदेवी के साथ, और उसके बाद मस्ताना गोविंदा के साथ। तो 3-4 फिल्म मैं प्रोड्यूस की, और अभी हम सनोज जी के बहुत ही अच्छे चाहते मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, और जल्द ही कुछ हम शुरू करने वाले हैं दोनों एक साथ। मैं प्रोड्यूस करूंगा और ये डायरेक्ट करेंगे फिल्म, तो हमारी एक प्लानिंग चल रही है कुछ, तो म्यूजिक भाई हमारे रवि जी देंगे, तो हम लोग एक पूरी टीम बन के साथ में कुछ करना चाहते हैं।
और बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये ऑफिस के लिए, और ये एक ऑफिस अच्छी ऑफिस बनी है, चाहे पॉजिटिव वाइब्स है और ये मीटिंग के लिए अच्छी जगह है, तो यहाँ से कुछ अच्छा शुरुआत हो जाएगी, ये हमारी शुभकामना है। मैं रवि जैन, म्यूजिक डायरेक्टर, और सनोज जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे पहले काफ़ी सारी मूवीज़ की, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, लता जी से लेके सबके लिए गाने किए, माय फ्रेंड गणेशा और बहुत सारी मूवीज़ की, अब सनोज जी के साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरा इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि एक पड़ाव के बाद फिर शुरू होगा नए सफ़र का सिलसिला, एक पड़ाव के बाद फिर शुरू होगा नए सफ़र का सिलसिला, यूं ही आगे बढ़ते रहें, श्री सनोज मिश्रा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अरे जी, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, हो बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, सनोज मिश्रा जी हैं एक प्यारे इंसान, एक प्यारे इंसान, मुस्काते रहते सदा चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान, यूं ही आगे बढ़े साथ हैं हम सब, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा। थैंक यू सो मच रवि सर, ऑन द स्पॉट। आज सनोज जी ने अपने ऑफिस का शुभारंभ किया है, तो हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सनोज जी को, आगे वैसे ही बढ़ते रहे, और अभी इनकी आगामी फिल्म जो आ रही है, जो रिलीज़ होने वाली है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मिश्रा जी के बारे में बोलने के लिए हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, पिछले कई दशकों से सिनेमा में जुड़े हुए हैं और ये एक अलग प्रकार की सिनेमा बनाते हैं। वो एक ऐसा सिनेमा है जिसके बारे में कह सकते हैं कि आज का जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, एक सार्थक सिनेमा बनाते हैं, समाज से जुड़ा हुआ, समाज के अंदर जुड़े हुए और समाज में पाए जाने वाले उन तत्वों को समाज के सामने लाते हैं, जो लोग सिनेमा में उसे छुपा देते हैं या तो छू करके निकल जाते हैं। चाहे उनकी कोई भी फिल्म आप लीजिए, काशी टू कश्मीर लीजिए, या बंगाल डायरी लीजिए, या फिर गजनबी लीजिए, बहुत सारी फिल्में इन्होंने हम सब के लिए बनाया। कहते हैं कि इनका जो सिनेमा होता है वो एक समाज का सिनेमा होता है और उसमें आप अपने आप को खुद देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनका, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये पहला ऑफिस है, इनके बहुत सारे ऑफिस हैं, जो लोगों के बीच में, जो लोगों के दिलों में रहता है, उसके लिए ऑफिस की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही, गुरु जी ने मेरे दिल की बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑल द, मैं सर को बस बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने नया ऑफिस खोला है तो दिल से दुआ है, क्योंकि सर एक सिर्फ डायरेक्टर नहीं है मेरे लिए, फैमिली है, और इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे, पूजा करी हमने दिल से और ब्लेसिंग्स ली भी हैं और दी भी हैं सर को, ताकि यहाँ पे बस अब लगातार पिक्चरें सर के पास आए, बनाए, रिलीज हो, हिट हो और हमें याद करते रहें सर। रिलीज पर है और बस यही एक ही चीज़ रहती है हमारे दिल से, कि अच्छे से रिलीज हो और लोगों को पसंद आए और कई हफ्तों तक थिएटर्स में लगी रहे, यही चाहते हैं। महीनों शूटिंग किया आपने इनके साथ। जी बहुत, मुझे मालूम चला कि 20 घंटा 30 घंटा की शूटिंग चल रही थी। जी जी, कितना कुछ प्रॉब्लम आप लोगों ने झेला इस पिक्चर में लेकर? देखो प्रॉब्लम तो एज सच कुछ नहीं हुआ, पर दिल से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किया है सबने, क्योंकि सर का साथ था तो प्रॉब्लम उन्होंने होने नहीं दी हमें, बट हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा कराई है और उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और वो ज़रूरी था और किए हमने, सबने मिलके मेहनत की है। करोड़ों की फिल्म बनाए हैं अभी, इससे उससे बड़ा पिक्चर बनाए, प्लानिंग चल रहा है। जी जी, कुछ बताएंगे कि नया कुछ प्रोजेक्ट?
प्लानिंग मेरा या सर का? हम लोगों का सभी का। अगर सर का चल रहा है तो सर मुझे बताएंगे। डायरेक्टर कुछ बताया नहीं, मैं सोचा हीरो हीरो से सुन लूं कुछ अगर बताया। नहीं नहीं सर तो हमें सेट पे भी एकदम सरप्राइज ही देते हैं, तो अभी भी कुछ सरप्राइज ही देंगे। हमेशा से सर ने सरप्राइज ही दिया है हमें एकदम। मेरे को सर का कॉल ऐसा नहीं आता, यजोर और क्या चल रहा है, सीधा कॉल है यजोर बेटा आ जाओ, और आते और पिक्चर शूट हो जाती है। आज ऑफिस को उद्घाटन में तो कहीं नया पिक्चर नहीं मिला अभी तक। अरे नया पिक्चर सर लो, अगर आप कैमरे पे अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो सर को अभी बोलो कि करें साइन लॉस। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी शुरुआत हो रही है। और जैसे कि होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं जब जब जहाँ जिसकी ज़रूरत है तो उसको उस तरीके से फिर मैं चीज़ों को शो ऑफ करता हूँ, क्योंकि बिजनेस भी है ना, कुछ लोग मेरे ऊपर भी लोग हैं तो मुझे उनको भी जवाब देना होता है। तो बताया ना कि इस महीने के एंड में हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा है आपके बीच में लेकर आएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। सतपाल जी मेरे साथ हैं, आप सतपाल जी तो हमारे डी ओ पी हैं दुबई। पिक्चर तो इन्होंने ही बनाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे समझिक वाले? दिल से दुआ है, बधाई तो फिर एक ही है कि बहुत यही पैशन है जो अभी तक नहीं दिख रहा था, आज दिखा कि ये पैशन है कि उन्होंने एक्चुअल अपना ऑफिस डाला। ऑफिस डालने के बाद जो हमारी थोड़ी बहुत जो थोड़ी क्रिएटिव जो मिस हो रही थी, अब शायद मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कोई मिस नहीं होने देंगे। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि भाई कि चलो ठीक है अपना ऑफिस हो गया। नॉट ब्लेम लगाने की बात तो नहीं है, बंदा तो ऐसे है ही नहीं यार, दिल खुले ऑफिस की तरह ऐसे है। और ब्लेम हमारे तरफ से नहीं, अच्छाई सिर्फ एक ही है कि भाई ने जैसे बोला कि ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं एक फैमिली है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि सच में एक फैमिली है। कोई भी जुड़े तो आपको लगेगा कि भाई डीओपी डायरेक्टर अलग चीज़ है, एक फर्स्ट रिस्पेक्ट लाइक की फैमिली, भाई हम लोग भाई भाई हैं, अब मिलकर इस प्रोजेक्ट को करना है। तो वही चीज़ें हमको अभी तक, मैं असिस्टेंट था तब से इनके पास हूँ और उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंटली मौका दिया, आज मैं यहाँ तक हूँ। थैंक यू सो मच। आई सतपाल भाई, अरे भाई सब लोग फेवर में इसके। हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मैं यही कहना चाहूँगा सर को कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जैसे ही सर का इन्विटेशन आया था तो मैंने तभी तुरंत एसपी को कॉल किया, मैंने बोला चलते हैं भाई, और सर को बधाई ज़रूर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हमने इधर उधर जा जा के प्री प्रोडक्शन किया है तो एक अपना ठिकाना हो गया, अभी अच्छा ठिकाना हुआ है, वो भी मैं तो मतलब कि शॉक्ड हूँ कि इतना अच्छा किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया और बहुत अच्छा फिल्में अभी आगे करेंगे सर, और साथ में ही करेंगे मे भी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा साथ में काम करके सर के, बाकी तो सर बोलेंगे। नहीं 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 आज का नहीं किया, बाकी मैंने फिल्म का किया पूरी। नहीं आज बजट की बात नहीं है, अभी कुछ और अच्छा देंगे तो ऐसा नहीं है, अभी कुछ और करेंगे, अब तो बार बार करते रहेंगे। वो सर हमेशा खुश रहते हैं तो ग्लो अलग ही दिखता है वो गाल पे, तो सर का मस्त है सर। यादें तो इतनी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं, क्योंकि बहुत मज़ा किया एक्चुअली, बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत सब कुछ हुआ है, सब नहीं प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन उस प्रॉब्लम को चलते चलते जिस तरह से हमने पूरे शूट को कंप्लीट किया यहाँ से लेके कलकत्ता तक। शिवम जी की एक बात थोड़ी सी मैं काटना चाहूँगा, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जब मैंने एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर इनको अपॉइंट किया, मतलब हम लोगों ने साथ में एग्रीमेंट बना, तो इनका एक डाइट चार्ट आया था हमारे पास। डाइट चार्ट आया और वो मैंने अपने प्रोड्यूसर को दिखाया कि भाई ये डाइट चार्ट है, सुबह गुनगुना जीरे का, उनको 6 बजे पानी चाहिए था, फिर उसके बाद दही और हल्दी चाहिए था, मतलब पूरा डाइट चार्ट जैसे बन के आया था। तो मेरा प्रोड्यूसर तो घबरा गया एकदम से, बोले ये कौन आ रहा है भाई टीम में, ये कौन आ रहा है टीम में। तो बोले ये गुनगुना जीरे का पानी कौन सुबह सुबह गर्म कर रहा है। अच्छा उसके बाद क्लाइमेक्स ये हुआ कि जब ये पहुँचे वहाँ पर, मैंने कहा नहीं आने दीजिए, तो बोले नहीं एयर इंडिया से ही आऊँगा, किसी और फ्लाइट से आऊँगा ही नहीं, समझे ना। प्रोड्यूसर साहब बोले अरे नहीं रहने दो भाई, किसी और को ले लो किसी और, मैंने कहा नहीं आने दो भाई आने दो। फाइनली जब पहुँचे तो जीरे का जो गुनगुना पानी था उसके बजाय 6 दिन तक इनको खाना ही नहीं नसीब हुआ जंगल में। तो मेरा मैं अगर 30 दिन का शूट होता है तो 30 जोड़ी कपड़े और 15 जोड़ी चप्पल 15 जोड़ी जूते वैसा रहता है। 6 दिन तक जंगल में जो हम लोग शूट कर रहे थे तो खाना ही नहीं नसीब हुआ, तो जीरे का गुनगुना पानी और डाइट चार्ट। तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया, और हमने
तीस तीस घंटे की शिफ्ट किया है, बिना सोए शिफ्ट किया है, चौबीस चौबीस घंटे लगातार शूट किया है, लेकिन हम सब ने, गुलशन ने, एसपी ने, मैंने, सर ने बहुत मज़ा किया और बहुत अच्छे से काम किया। खाने पीने की तो शिकायतें हर प्रोडक्शन में रहती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, आउटडोर में आप जाते हो तो ऊपर नीचे सारी चीज़ें चलते, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट टीम जो थी ना वो बहुत पॉजिटिव टीम थी और सर ने बहुत ज़्यादा विश्वास किया मेरे ऊपर, तो रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। अरे बाप, ये तो बहुत ज्यादा चीज है। तो सर अभी ये करता था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, आगे काम में दिक्कत हो जाएगी, बोल रहे हो। सच बताओ ना, सूखी रोटी दाल चावल खा के मैंने किया, आज सर ने पूरा कर दिया कसर, लेकिन समोसे कचौरी लस्सी सब मिला है आज, सब इक्वल हो गया है। अरे केला केला नसीब नहीं हुआ मुझे, नहीं मिलता था नहीं बट ये है कि ऐसा कुछ मेरा कोई फर्स्ट नहीं रहता शूट पे, मैं वैसे ही वेजिटेरियन हूँ तो दाल रोटी से हमारा काम चल जाता है। सबसे पहले हमारे परम मित्र सनज भाई को हार्दिक शुभकामनाएं, आज उनके नए ऑफिस का शुभारंभ हुआ है तो बहुत सारे नए मित्र भी मिले, बहुत सारे पुराने मित्र मिले, एक मेल मिलाप हो गया और सनज भाई बहुत अच्छा काम करे, एक बहुत अच्छे इंसान भी है, एक फिल्म मेकर होने से पहले एक बहुत अच्छे इंसान है, दिलदार इंसान है, सबको खुशियाँ बांटते हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई और भविष्य में भी वो अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है। और सनोज भाई उनकी पूरी टीम को दिल से मेरी हार्दिक शुभेच्छा।